Welcome to बालाजी स्टडियाडा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट की दिसंबर की जो ऑफिशियल आंसर की है वो आ चुकी है, आप सभी लोगों ने चेक कर लिया होगा। सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि फाइनल रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। तो देखिए, ऑफिशियल जो उन्होंने नोटिस जारी की थी उसके आधार पर उन्होंने लिखा था कि आपका रिजल्ट 6 सप्ताह के भीतर जो है वो आएगा, और 6 सप्ताह के हिसाब से आप इसे 7 से गुणा करेंगे क्योंकि 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 42 दिन, यानी कि आपका जो पेपर हुआ था उसके 42 दिन बाद जो है वो आपका रिज़ल्ट उनकी ऑफिशियल नोटिस के आधार पर आएगा। आपका पेपर हुआ था 8 दिसंबर, उसमें आप 42 जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये जनवरी माह में 20 से 23 तारीख के बीच में जो है इन्होंने बताया है। और ये इन्होंने जो है एक मैक्सिमम डेट बताई कि ये इसके बाद रिजल्ट नहीं निकालेंगे, उससे पहले कभी भी निकाल सकते हैं, ये इनका जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें इन्होंने मेंशन किया था। ये तो बात हो गई ऑफिशियल नोटिस के आधार पर। अब बात करते हैं जो प्रीवियस वाला यानी कि जुलाई माह में सीटेट हुआ था उसके बारे में। तो जुलाई माह में सीटेट हुआ था 7 जुलाई को, और 7 जुलाई के 15 दिन बाद जो है आंसर की ऑफिशियल आ गई थी। और किस तारीख को आई थी? 22 तारीख को, और उस 22 तारीख के 8 दिन बाद जो है वो आई थी आपका रिज़ल्ट, यानी कि 30 तारीख को जो है वो 7 जुलाई वाला रिज़ल्ट जो है वो आ गया था। अब बात करते हैं इस माह की, यानी जो दिसंबर माह में हुआ है, दिसंबर माह में हुआ है आपका 8 दिसंबर को जो है वो पेपर। 8 दिसंबर के 15 दिन बाद करेक्ट, जैसे कि प्रीवियस जो जुलाई माह में हुआ था 15 जो है वो दिन बाद, यानी कि 23 तारीख को जो है वो ऑफिशियल आंसर की आ गई थी। और अगर इसमें भी आप 8 दिन और जोड़ेंगे तो 31 तारीख यानी कि 31 दिसंबर तक जो है वो जुलाई से अगर कंपेयर करें तो आपका जो है वो आ जाना चाहिए रिजल्ट, अगर प्रीवियस से कंपेयर करें तो। ओवरऑल इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना हो सकती है, और यदि प्रीवियस माह से कंपेयर करें तो आपका 31 तारीख को रिजल्ट जो है वो आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, यही था आज के वीडियो में। आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी, सारी नॉलेज मिली होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।